क्या बात है, रोब्लॉक्स का सुहाना दिन। ये दोनों भाई एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हैं? लगता है कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं। ए ओगी और फौजी, कहाँ जा रहे हो? ए तुझसे भला क्यों, ऐसे ही कहा तुझसे क्या। वैसे दोस्तों, आज हम लोग दोबारा से रोब्लॉक्स खेल रहे थे और इसने एक बात तो सही कही, आज हम लोग दोस्त छुट्टियां बनाने जा रहे हैं। छुट्टियां भैया, लेकिन चलेंगे कहाँ पे? जहाँ पे मुन्ना प्लेन ले जाएगा वहाँ चलेंगे। मजाक कर रहा था, मुन्ना बहुत अच्छी जगह है। अरे भैया, ये डैडी कौन है? और डैड है मुन्ना, हमारे डैड है ये, और यही हम लोग को वेकेशन पे ले चलेंगे। तो भैया, आज डैड ने प्लान बनाया है, चलो देखते हैं भैया आज डैड हम लोग को कहाँ ले जाते हैं। ओए क्या बात है, चलो पहले मुन्ना घर घूम लेते हैं, और पैकेजिंग भी करनी है, और मुन्ना भूख भी बहुत लगी हुई है तो खाना भी खाएंगे। ओए फिर उसके बाद चलेंगे मुन्ना एक फ्लाइट पकड़ के फटाक से मुन्ना दूसरी कंट्री। तो भैया कहाँ जा रहे हैं भैया, कहीं पता चला क्या? ओए मुन्ना, ये तो नहीं पता चला, लेकिन मुन्ना आज हम लोग फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं ये जरूर पता चला है। हाँ भैया, वो तो मुझे पता है। ओए अच्छा, पता है क्या? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है मुन्ना, इंतजार करते, खुद ही पता चल जाएगा। चलो भैया, मैं चला पैकेजिंग करने भैया, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे वेकेशन पे, लंबे वेकेशन पे जा रहे हैं तो भैया पैकेजिंग तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ वो तो है मुन्ना, मैं कुछ कपड़े और शूज वगैरह पैक कर लेता हूँ। ओए हाँ भैया, मैं भी कपड़े पैक कर रहा हूँ। कपड़े के बाद भैया एक जोड़ी शूज वगैरह भी ले ही लूंगा। ओए मुन्ना, चप्पलें भी ले लेना। हाँ भैया, स्लीपर्स भी लेने हैं। चलो गाइस, अब शूज भी ले लेते हैं। ओए अभी शूज कहाँ रखे हैं? अरे भैया, ऊपर ही रखे होंगे। देखो भैया, हमारे साथ हमारे दोस्त लोग भी जा रहे हैं, तो मजा आएगा भैया। ओए हाँ, मजा तो आएगा ही। मुन्ना डैडी क्या कर रहे हैं? भैया उन्होंने बताया ना, वो हमारे लिए भैया ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। ओए अच्छा अच्छा, क्या बनाएंगे मुन्ना, क्या लगता है? अरे भैया यार, अभी से भूख के बारे मत सोचो भैया, अभी पैकेजिंग करो भैया, ब्रेकफास्ट पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में। ओए हाँ हाँ, वो तो है मुन्ना, मेरी पैकेजिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, और भैया मेरी भी। चलो मुन्ना, अब थोड़ा सा स्विमिंग पूल में नहाया जाए, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया जाए। ए भैया, बर्गर मिलेगा। ओए बर्गर, क्या बात है, मजा आएगा। चल मुन्ना जल्दी से आ जा, यहाँ पे बैठते हैं। हाँ भैया, आता हूँ आता हूँ। ए भैया, आपका नहाना धोना हो गया तो चले आओ ना। ओए आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ओए क्या बात है, बर्गर तो डैडी टेस्टी लग रहा है, क्या बात है, मिल गया। चल मुन्ना खाते है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं बर्गर खाना। अरे भैया ये तो टेस्टी है। ओए हाँ टेस्टी तो है। मुन्ना डैडी बोल रहे हैं कि हम लोग को इसके बाद फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी जल्दी से, तो चलो फिर भैया जल्दी से चलते हैं। ओए ये क्या चीज है? ये भैया गराज है। अरे ये क्या भैया, इसी प्लेन से जाना पड़ेगा क्या? ओए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओए अच्छा, तो इससे एयरपोर्ट में जाना है मुन्ना। चल चल मुन्ना, अपना अपना प्लेन ले लेते हैं। चलो भैया, मैं तो ले लिया। मैंने भी। ओए चलो चलो मुन्ना, संभल के, ऑब्स्टिकल है सामने। भैया इनसे तो बचना भाई हाथ का खेल है। चलो आराम आराम चलेंगे गाइस, और एकदम आराम से निकल जाएंगे। ओए सामने तो और भी खतरनाक है। अरे यार भैया, ये प्लेन इतना हिल क्यों रहा है? अरे बाप रे, अरे भैया कंट्रोल नहीं हो रहा। ओए संभल के, फूट गया तो तू भी फूट जाएगा। हाँ भैया एकदम संभल के चला रहा हूँ भैया, वैसे मैं एक बार थोड़ा सा टक्कर लग गई है। मुन्ना क्या कर रहा है, फूटना चाहता है क्या? अरे नहीं भैया, फूटना तो नहीं चाहता भैया, इस बार संभल के चलूंगा। ओए हाँ संभल संभल के आ जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओए वैसे मुन्ना टक्कर तो मुझे भी एक बार लग चुकी है, दो बार लगी तो बैंड बच जाएगी। ए यार भैया, मुझे भी बच के चलना पड़ेगा। पता नहीं एयरपोर्ट जाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे भैया मैं झाड़ियों के बीच घुस गया, फिर से फूट गया भैया। ओए तू कर क्या रहा है, तू तो गया मुन्ना। हे भैया मुझे बचा लो ना यार। ओ यार जा जा, आ गया एयरपोर्ट। अच्छा आ गया, क्या बात है भैया, फाइनली एयरपोर्ट आ ही गया। चलो भैया, अरे ये क्या, ये गाड़ी भैया कुचल के चली गई। ओए मुन्ना तेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, तू तो गया कम से। ए भैया ऐसा मत बोलो ना। ओए आ जा जा, मजाक कर रहा था। चल और यहाँ से मुन्ना क्या करना है? ए भैया हम लोग को अपना लगेज यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसके बाद टिकट मिलेगी, वो तो डाल देना। हाँ चलो भैया, ये लगेज डाल दिया। चलो भैया ये काम हो गया। ए चलो चलो भैया, आप जल्दी से एयरप्लेन पकड़ते हैं। ए मैडम जी, क्या दिक्कत है? ओ तो टिकट चाहिए। अब टिकट कहाँ मिलेगी? और टिकट काउंटर से लेके आना। हाँ भैया जाता हूँ। ए मैडम, हमारे बोर्डिंग पास दो ना। ओए हाँ मैडम, मेरी भी बोर्डिंग पास दे ही दो। चलो ना पटाक से बोर्डिंग पास देते हैं, प्लेन में बैठते हैं और यहाँ से रफ चक्कर हो जाते हैं। भैया बिल्कुल सही कहो। चलो अरे भैया, गेट कब खुलेगा? ओए अभी मुन्ना वेटिंग एरिया में हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा प्लेन के उड़ने तक का। ओए अरे भैया, जब उड़ी जाएगा तो क्या जाएंगे? ओए मतलब कि मुन्ना भी इंतजार करना पड़ेगा कुल मिला के, ये समझ ले। तो ये बोला ना भैया आपने, बोला कि उड़ने तक का, तो भैया मैं थोड़ा सा घबरा गया कि प्लेन उड़ी जाएगा तो क्या ही बैठेंगे।
अरे नहीं नहीं हमारे बिना कैसे उड़ेगा, मुन्ना टिकटे बुक कराइए टिकटे। हाँ भैया वो तो है। अरे भैया ये लोग कौन है? पता नहीं कौन है, ये कौन है डैडी? ए भैया यार कहीं हम लोग को पकड़ने तो नहीं आए? ओए मुन्ना इनको कुछ डाउट है तो क्या ही दिक्कत है? ए भैया यार मुझे जाना है, ये लोग जाने नहीं दे रहे। ओए तो फिर मुन्ना वही करते हैं जो करना चाहिए हमेशा। अरे भैया वो सामने कौन है? ओए ये कहाँ से आ गए, ये कौन सी भला है? अरे भैया ये तो एकदम राक्षस है। ओए मुन्ना डेविल है डेविल, पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है, हंस भी रहा है। ए भैया गया क्या? ओए गया नहीं, अभी तो आया ही है। ओए ये तो आ रहा है, ओए बोर्ड डाला को दूर हट ले। भैया मैं तो दूर भी हट लिया, लेकिन भैया ये क्या बोल रहा है? ओए ये क्या मुन्ना, ये तो लगता है छोड़ेगा नहीं हम लोग को। अरे भैया लगता है यहाँ इसने यहाँ पे सब लोग को कर्ज कर दिया है। ओए तो करना क्या है, फोड़ इनको और आगे निकलते हैं। लगता मुन्ना इसी वजह से हम लोग रुक भी गए हैं। ओए अरे भैया वो तो गायब हो गया, लेकिन पुलिस वाले को कर्ज करके चला गया। ओए पहले इनको फोड़, इनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, इनको फोड़ सकते हैं। ओए हाँ भैया फोड़ ही रहो। ए फोड़ ही डालेंगे, बचना नहीं चाहिए कोई भी। ओए फूट गया एक बच्चा, ये ले तू भी ले। भैया गया गया, चलो भैया फटाक से यहाँ से निकलते हैं। ओए डैडी कहाँ चले गए? पता नहीं भैया कहाँ चले गए, लेकिन हम लोग को आगे इंतजार कर रहे हैं। ओए चल चल मुन्ना फटाक से निकल, नहीं तो बैंड बज जाएगी यहाँ तो। अरे यार ये कब खुलेगा? ओए खुलेगा इंतजार कर। ओए खुल गया, चल चल मुन्ना रुकना नहीं है बिल्कुल भी। अरे भैया रुक के करेंगे क्या? हे भैया चलो चलो अभी यहाँ से आगे जाना है। पता नहीं भैया हम लोग यहाँ कहाँ आ गए। ओए वही तो, ये स्केलेटन जैसा फेस का क्या कर रहा है यहाँ पे? लगता मुन्ना हमारा प्लेन क्रैश करवाना चाहता था। ए भैया फिलहाल तो यहाँ से निकल ही ले तो ज्यादा सही रहेगा। ओए मुन्ना मतलब वेकेशन कैंसिल हो जाएगा? अरे भैया आपको वेकेशन की लगी है? अरे भैया ये लोग कौन आ रहे? ओए ये क्या, ये भी लगता है कास्ट है मुन्ना। हाँ भैया मुझे भी लग रहा है। भागो भैया, जनरल को फॉलो करो। ओए हाँ फॉलो करना ही पड़ेगा, अब मुन्ना जनरल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ओए हाँ भैया, ए जनरल यार किधर गए? लगता इधर गए हैं। हे भैया जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। ओए मैं तेरे पीछे क्यों आऊंगा? अरे भैया आ जाओ बच रहे है तो। ओए ठीक है आ रहा हूँ, वो लोग पीछे भी लगे हुए हैं क्या? हाँ भैया वो लोग कर्स्ड बंदे हैं तो भैया हमारे तो पीछे पड़ेंगे ना। ओए लेकिन हम लोग ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं भैया, लेकिन अभी जहाँ जा रहे हैं चलते हैं ना। ओए ये तो उसी टाइप का फेस है, वही है क्या? पता नहीं भैया कहाँ है। अरे अरे भैया यार ये क्या हो गया? ओए ये कहाँ जा रहे हम लोग? पता नहीं भैया ये कहाँ पे आ गए। ओए यहाँ से आगे निकलने का रास्ता है क्या मुन्ना? ए भैया मुझे तो आसपास का एरिया देख के लग भी नहीं रहा, और मुझे भी अब क्या करेंगे? पता नहीं भैया ये क्या है। वो इतना बड़ा गड्ढा, क्या है इसके अंदर? अगल बगल भी गड्ढे हैं, और ये क्या मुन्ना कैदी? अरे भैया इनको किसने कैद कर लिया? ये तो भैया वही कष्ट बंदा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है भैया उस स्केलेटन फेस वाले ने इसको भी कैद कर लिया। ए भैया देखो जैक भी कैद है। मैं तो सही सलामत मुन्ना, मुझे क्या दिक्कत है? भैया आपके नाम का यार आप नहीं कह दे। ओए वही तो मुन्ना, ये पायलट है, और मुन्ना लगता है इसलिए प्लेन कैंसिल हो गया। हाँ भैया मुझे भी लगता है, लगता है भैया एयरपोर्ट पे सारे ही कष्ट हो गए। देखो भैया स्केलेटन फेस वाला भी लगता है, मुझे लगता है आने वाला है। ए भैया कुछ हुआ? ओए ये क्या जमीन की हुई? ओए पता नहीं भैया जमीन की हुई। ए भैया ये कौन आ गया? ओए ये कौन सी भला आ गई भला, ये तो एयरपोर्ट पे छोटा सा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे भैया ये कुल मिला के हमारी बैंड बजाएगा, और हम सबको भी भैया कष्ट करके अपने भैया जाल में फंसा लेगा और खा भी जाएगा। ओए अब क्या करें? हे भैया ये हमारी सोल्स को खाना चाहता है, उससे पहले भैया हम लोग इसी की सोल्स को खत्म कर देते हैं भैया इस तलवार की मदद से। और ये तलवार मिलेगी भी कि नहीं? ओए हाँ भैया क्यों नहीं मिलेगी, भैया इसकी बैंड जो बजानी है। ओए मुन्ना इसकी बात तो लग रहा है यही हमारी बैंड बजाना चाहता है। हे भैया इसने तो पता नहीं ये क्या फेंकना शुरू कर दिया। ओए एक तो गया। ए यार मुझे तलवार ले ले दो। ए दो ना यार तलवार। ए मिली क्या यार? बाप रे भैया पीछे लग गया। ओए तेरी तो तलवार मिली नहीं रही। ए यार भैया मुझे तलवार चाहिए इसको मारने के लिए। ओए मुन्ना है इसको चकमा देना पड़ेगा, बैट से फोड़ डाले क्या? हाँ भैया उसी से फोड़ते हैं। अरे भैया आप तो गए। हाँ मुन्ना मैं तो गया। ओए तू संभल कर आइये मुन्ना। अरे 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 ये क्या यार, इसने मुझे भी फोड़ डाला। ओए मुन्ना रिस्पॉन होके इसको फोड़ डालो। ओए हाँ भैया इसको फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भैया ये एयरपोर्ट के जितने भी भैया यात्री आएंगे ना सबके साथ ही ऐसा करेगा, उनको कष्ट करके भैया उनकी सोल ले लेगा। चलो भैया या तो मैं मरूंगा या तो भैया इसको मारूंगा।
मुन्ना मार के ही आयो, हमारा भी बदला लिया। हाँ भैया आप टेंशन मत लो, ये ले। अरे ऊपर चला गया भैया, इससे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। मुन्ना डरने की जरूरत नहीं है, तू आखिरकार भाई तो मेरा ही है ना। हाँ भैया 2.5 किलो के हाथ से ये ले। डाल बचना नहीं चाहिए, जो बोले सोने वाला। ये ले अभी तू मार खाएगा। ये ले। अरे भैया बहुत तगड़े तरीके से मार रहा हूँ। मुन्ना फोड़ फोड़, इसको बचना नहीं चाहिए। ओ ये लेट क्यों गया? अरे भैया फूटने के लिए, लेकिन भैया फिर से एक्टिव हो गया। मुन्ना इसके गोलों से बच कर आइये, बहुत ही खतरनाक गोले है। फिर से नीचे आया, रुक जाना। ये क्या यार भैया, ये तो झाड़ू लगा रहा है। भाई इसी झाड़ू के चक्कर में तेरा भाई ये तो चला गया था। तो भैया आप इसमें ही लपेटे गए थे? हाँ मुन्ना पूरा ही लपेट लिया था। मुन्ना संभल के। भैया मैं एकदम संभल के ही हूँ। ये ले। अरे ये क्या, मुझे गिरा दिया, मुझे गिराया। तेरी इतनी हिम्मत, अभी तू मार खाएगा। ओए संभल के मुन्ना, तू गुलाटिया क्यों खा रहा है? अरे वो भैया कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ये ले अभी तू मार खाना। ए मर जाना यार, कितनी मार खाएगा। ओए मुन्ना कंटिन्यूअसली मारते रहियो, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। अरे भैया इसकी बहुत हेल्थ है, लेकिन भैया इस बार तो ये गया, चाहे कुछ भी हो जाए। ओए हाँ मुन्ना पॉट डाल, बचना नहीं चाहिए। ओए अरे बचेगा कैसे? ए आजा नीचे, अभी तेरा बाजा बजाता हूँ। ओए मुन्ना यही मौका है, पॉट डाल। अरे नीचे तो आए दो, अभी तू गया। ये ले भाग सिंह बॉडी वाले की मार खा, और यहाँ से चला जाओ और सारे कष्ट बंदे को सही कर दे। ये नहीं सही करेगा जब तक इसको नहीं मारेगा। हाँ भैया ये मारेगा तो भैया सारा कष्ट ही टूट जाएगा। ओए गया क्या? हाँ भैया लगता है गया। ए भैया फाइली मारी दिया इसको। ये हुई ना बात मुन्ना, मजा ही आ गया। दोस्तों इस बात पे एक लाइक बनता है, जल्दी से लोगों के लिए एक लाइक मार दो। मुन्ना तूने तो बहुत बड़े दरिंदे को हरा दिया। अरे भाग वहां से। अरे भैया भाग लिया। हे भैया फाइनली मैंने भैया सभी को बचा लिया। हाँ मुन्ना मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया मुन्ना। हे भैया देखो प्रेसिडेंट मेरी तारीफ कर रहे हैं। ओए हाँ रोनाल्ड ट्रम्प तेरी तारीफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सुना तो रोनाल्ड ट्रम्प। हे भैया वो रोब्लॉक्स वाले ना, इसीलिए। तो चले गाइस आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तो गाइस वीडियो बताना, लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी गाइस आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।